जैसे जैसे जो बंद होते गए, यहां से प्लान होता गया, ये विकास में पिछड़ता गया, आज फिर से एक नए युग का सूत्रपात इस सिविल टर्मिनल के उद्घाटन के साथ प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज की लोगों की कनेक्टिविटी जितनी आसान होगी उतना ही लोग विकास के प्रति आग्रही बनकर के आगे बढ़ते हैं। और कानपुर इससे छुपा हुआ नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिन भी नगरों में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है वहां पर नए उद्यम आए हैं, नए उद्योग आए हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर के लोगों के मन में एक नई उत्सुकता देखने को मिली है, लोग एक नए उत्साह के साथ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। आज आपको प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 21 में मेट्रो की सौगात दी, आज मेट्रो आपकी पहचान बन चुकी है। आज गंगा जी में यहां पर हमने सीसावाओ नाले को बंद किया, जाजवाओ में व्यापक सुधार करने का कार्य किया, आज गंगा के क्रिटिकल पॉइंट से कानपुर उभर करके आगे बढ़ रहा है, तो अविरल गंगा निर्मल गंगा का संकल्प भी पूरा होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास भी करना है और विरासत का सम्मान भी करना है। विकास और विरासत का यह संगम आपको इस टर्मिनल में भी देखने को मिलना होगा। आपने देखा होगा कि यहां के प्राचीन मंदिरों की शैली को केंद्र करके इस टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जब कोई भी कानपुर में आएगा या कानपुर से निकला होगा तो अपने साथ इस पहचान की अमिट छाप को अपने साथ लेकर के चलेगा और कानपुर विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनकर के फिर से अपने पुरातन गौरव को प्राप्त करने का कार्य करेगा।